बरेली में अंधविश्वास के चलते एक महिला की जान जाते जाते बची। यहां एक महिला को ससुराल के ही कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की और अब उस महिला के शरीर में 450 टांके लगे हैं और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बरेली में अंधविश्वास में अंधे लोग कैसे इस महिला की जान के दुश्मन बने, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बरेली के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती ये रेनू है। रेनू की इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं, उसके ही ससुराल के लोग हैं, जिन्होंने तंत्र मंत्र के नाम पर रेनू का ये हाल कर दिया। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती रेनू के भाई ने उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार ससुराल वालों की दरिंदगी की कहानी बयां की। जो नर्द है जिसके लिए उन्होंने और इसके जेब में दोनों गोली और क्या कहते हैं राजू दोनों ने मिल के हाथ पैर पकड़े और ये बताया कि जितनी बार आप तेरे जख्म करेंगे सही तो उतने ही हमारे जो पिताजी की जो है जान बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। अंधविश्वास में अंधे हो चले रेनू के ससुराल वालों ने ये मान लिया कि रेनू पर वो जितने हमले करेंगे रेनू के ससुर की उम्र उतनी ही बढ़ेगी और बस इसी पागलपन में उन्होंने रेनू के साथ दरिंदगी की। आज हाल ये है कि रेनू को कुल 450 टाके आए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तो शुरू कर दी है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमने इसमें तत्काल अभियुक्त पंजीकृत करते हुए जो कि ननंद है मोनी और सारिका वर्मा उनको गिरफ्तार करके जो पंजीकृत मुकदमा है उसमें उनको जेल भेज दिया गया। इसमें आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि तंत्र मंत्र विद्या का मामला है, पर इस मामले में अभी छानबीन चल रही है। साल 2020 में जब दुनिया मंगल पर बसने की उम्मीद कर रही है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अंधविश्वास की गिरफ्त में एक परिवार ने अपने घर की लक्ष्मी को निशाना बनाया। आज अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही रेनू कुछ बोल तो नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों के आंसू में यही सवाल है कि ऐसी हरकत के बाद उसके गुनाहगारों को क्या सजा मिलेगी। बरेली से R9 TV के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।